अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। रियासती बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कल बेंगलुरु में मुखालिफ सीए रैली में एक खातून के पाकिस्तान की ताइद में लगाए गए नारे और गुलबर्गा में महाराष्ट्र के साबिक रुकन असेंबली वारिस पठान की मतनाज़ा तकरीब पर शदीद तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि इससे मजलिस पार्टी बेनकाब हो गई है, दस्तूर जमहूरियत और मुल्क पर उसका इखान मुतज़ल्ज़ल हो चुका है। इन दोनों वाक़ियात के रोनुमा हुए वक्त सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बनफ्स नफीस मौजूद थे, चुनाचे उन पर गुद्दारी का भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। कृष्णा सागर ने कहा कि मजलिस का 8% 1% से भी कम है, फिर भी वो कौमी और सेक्युलर जमात होने का दावा करती है। उन्होंने मजलिस के जय मीम और जय भीम के नारे को सिर्फ दिखावा करार दिया और कहा कि वो पार्टी जो खुद मुसलमानों का भला नहीं कर सकी तो दलितों का क्या भला करेगी। बीजेपी के तर्जुमान ने दलितों से अपील की कि वो मजलिस और बैरिस्टर ओवैसी के फरेब में ना आए और उससे दूरी अख्तियार कर लें। गजवा से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान प्रशांत की अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में अचानक मौत हो गई। उसकी बेबी देविया हामिला बताई जाती है। मुतफी के भाई ने रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैटी रामाओ से अपील की कि वो हंगामी हालत में अमरीका का वीजा दिलाए। चुनाचे कैटी रामाओ ने हैदराबाद में वाकई अमरीकी कौंसल से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की। कोगटपल्ली में बीजेपी के मकामी दफ्तर के करीब मोबाइल फोन की दुकान में आज आग लग गई। हादसे की वजह का इल्म नहीं हो सका। मकामी लोगों ने फायर स्टेशन को इत्तला दी जिसने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। नुकसान का अंदाजा नहीं किया जा सका। पुलिस ने सिलसिले में केस रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। यहां बताना जरूरी होगा कि गुज़श्ता साल भी 31 मई को ECIL के करीब मोबाइल शॉप की एक बड़ी दुकान में आग लग गई थी जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई थी क्योंकि यह दुकान एक हॉस्टल के नीचे वाकई थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर फेरोज खान, साबिक कॉर्पोरेटर ख्वाजा बिलाल और सामाजिक कारकुन मोहम्मद सलीम ने शहरिया ने हैदराबाद से अपील की कि वो 24 फरवरी को खुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़द होने वाले एहतजाजी मुशायरे में भारी तादाद में शरीक हों। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि रजा इलाही फाउंडेशन की जानिब से मुनक़द होने वाले इस मुशायरे में नामवर शायर इमरान प्रताप बड़ी के बशमूल मुल्क के सरकर्दा शोरा शिरकत करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद अदालत के जरिए मुशायरे के इनेकाद की इजाज़त हासिल की गई है। पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है लेकिन सिर्फ तेलंगाना खासकर हैदराबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो NRC और NPR के मामले में मरकज से मफाहमत कर चुकी है। चुनाचे हुकूमत 1 अप्रैल से NPR पर अमल करने जा रही है। इन कायदीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुतालबा किया कि वो NPR पर अमल आवारी की सूरत में TRS से अपना रिश्ता तोड़ ले। हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस फैंसी नंबर प्लेटों और मस्क शुदा नंबर प्लेटों के साथ चलाई जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पंजागुट्टा ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में एक टोयोटा फॉर्चूनर को पीछे फैंसी नंबर लगाने पर रोक लिया और उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसका मालिक नंबर प्लेट तब्दील नहीं करा। इसे इक्का-दुक्का वाकया नहीं समझना चाहिए। पुलिस आए दिन ऐसी कार्रवाइयां कर रही है। पुलिस का मानना है कि अगर जुर्माने किए जाएं तो वो जुर्माना अदा करके फिर इसी रविश को जारी रखेंगे। चुनाचे पुलिस मालिकिन को जब का जबी नंबर प्लेट तब्दील करने के लिए जोर दे रही है। साइबराबाद और रचाकुंडा पुलिस ने गलत नंबर प्लेट पर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अब तक 1.5 लाख केसेस बुक किए हैं। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि मंडल
परिषद जिला परिषद करकान और नौ मंतखब सरपंचों को अगर वो काम नहीं करेंगे तो ओहदे पर बरकरारी की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मार्च में ग्राम पंचायतों का अचानक दौरा करेंगे और पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत कामों का जायजा लेंगे। नए पंचायत कानून के तहत हुकूमत नायल पंचायत के खिलाफ कार्रवाई का हक रखती है। जिले सिलसिला में नौ मंतखब सरपंचों मंडल परिजा परिषद और जिला परिषद करकान से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो आपाशी पीने के पानी बरखी हाउसिंग और दूसरी फ्लाई स्कीमों पर तवज्जो दें। उन्होंने बताया कि गांव के हालात में अगर कोई सुधार नजर नहीं आया तो हुकूमत पंचायतों को कोई फंड जारी नहीं करेगी और न ही कोई नुमाइंदगी कबूल करेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत राज कानून इस तरह बनाया गया है कि इससे कोई भी नहीं बच सकता। बेंगलुरु में कल सीए के खिलाफ रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली वन्यशाला अमोलिया लियोना को बेंगलुरु की एक अदालत ने 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया। अमोलिया को आज शिवरात्रि की तातील होने की वजह से जज शमशीन अंकुर के घर पर पेश किया। अमोलिया को कल बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में मुनक़दा जलसे में जहां मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे मुआफिक पाकिस्तान नारे लगाने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी दौरान कर्नाटक की बीजेपी ने अमोलिया लियोनिया की गिरफ्तारी की तायीद की और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बेंगलुरु पुलिस ने अमोलिया लियोनिया के खिलाफ जो दफात लगाए हैं उनमें देश से गद्दारी का दफा भी शामिल है। बीसवें ऑल इंडिया पुलिस बैंड मुकाबले के सिलसिले में आज मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस बैंड ने अपना परफॉर्मेंस पेश किया। चामिना के पास इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पुलिस के परफॉर्मेंस से सैकड़ों लोग महजूज हुए। बजरंग दल के कारकुनों ने किशनगंज के रवि दाशा मैदान को पानी और गंगा जल से धोया। बताया जाता है कि सीपीआई के लीडर कन्हैया कुमार ने हफ्ते की शब यहां जलसे से खिताब किया था। बजरंग दल के कारकुनों का कहना था कि इस जलसे में कन्हैया कुमार के पहुंचने से जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है यह मैदान नापाक हो गया था। मुंबई पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखने वाले जर्नलिस्टों पर हमला करने के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम संजय राजबहादुर सिंह, इला राजा परियार, राजेंद्र लक्ष्मण, कोटेश्वर राव, राकेश रामपाल यादव और जान अजीत बाबू दुराई बताए जाते हैं। बताया जाता है कि जर्नलिस्ट एक वन्यशाला लड़की के खुले ड्रेन में गिर जाने के बाद वाकये की रिपोर्टिंग के लिए वहां पहुंचे थे और अरकान खानदान से बातचीत करना चाहते थे। निजामाबाद के नवीपेट मंडल में नामालूम अफराद ने एक 50 साल शख्स रमना रेड्डी पर हमला करके उसे हला कर डाला। खानदानी झगड़ा कत्ल की वजह बताई जाती है। रमना रेड्डी 10 साल कबल अपनी बीवी को तलाक दे चुका था और उसे 3 बच्चे भी थे। मियां बीवी में जमीन का तनाजा भी चल रहा था। टीवी का आवाज बड़ा करने पर निजामाबाद में एक शख्स बाला नसैया ने अपने 40 साल पड़ोसी और मकानदार जी राजेंद्र से झगड़ा किया और फिर उसे घूसा मार दिया, जिसके नतीजे में राजेंद्र की बरसर मौका मौत हो गई। नरसैया मुकामे वाकया से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हीरा ग्रुप की सीईओ नेहरा शेख की खर्च की गई जायदादें तहकीकात के दौरान भी जब्ती रहेंगी। खसूसी अदालत ने सिलसिले में अहकाम भी जारी किए हैं। मुंबई के मगरबी बांद्रा के लिंक स्क्वायर की पहली मंजिल और शेखपेट की अहम जायदाद के बशमूल जुमला 72 जायदादों को खर्च किया जा चुका है। नोरा शेख ने इसके खिलाफ दिल्ली की अपीलेट कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर ने हैदराबाद में बताया कि रोल नंबर 12 बंजारा हिल पर वाक़े बिल्किस मंजिल समेत 299 करोड़ रुपये मालियत की जायदादें अब तक जब्त की जा चुकी हैं। नोरा शेख की जायदादें न सिर्फ तेलंगाना और आंध्रा बल्कि केरला, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी है। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुसलमानों के जहनों को जहर आलूद कर रही है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए संजय रावत ने
वारिस पठान की तकरीर की मजम्मत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ेंगे। शिवसेना के लीडर ने कहा कि वारिस पठान को किसने मुसलमानों का लीडर बनाया है और वो किस तरह ऐसी बात कर सकते हैं। इसी दौरान रियासती वजीर अखिलती उमूर और NCP के तर्जुमान नवाब मलिक ने वारिस पठान की रिमार्क की मजम्मत की और कहा कि ऐसे बयान से साफ जाहिर होता है कि BJP मुल्क में मजलिस की ताईद से मुनाफरत फैलाने की मशीन पर लगी हुई है। रियासती कांग्रेस के तर्जुमान सचिन सावंत ने भी वारिस पठान के बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मजलिस के साबिक रुकन असेंबली ने ऐसा बयान देते हुए CAA के खिलाफ जारी पुरअमन एहतजाज को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि इस एहतजाज में न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी बराबर के शरीक हैं। सूरत के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कॉर्पोरेशन के 10 खातून ट्रेनी क्लर्क्स को सरकारी दवाखाने में बरहना खड़ा करने के वाक़े पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मुलाजमीन की यूनियन ने बताया कि हत्ता के गैर शादीशुदा खवातीन को भी चेकअप के नाम पर उनके हामिला होने की जांच की गई। ये वाक़ा 20 फरवरी को सूरत म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हॉस्पिटल में पेश आया। कायदे के मुताबिक ट्रेनी मुलाजमीन की तबीयत की तकमील पर उनका फिजिकल टेस्ट किया जाता है। सूरत के मेयर जगदीश पटेल ने भी मुलाजमीन की यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अहमद शेख को बताया कि वो खाकी अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उदय ठाकरे आज दिल्ली के दौरे पर पहुंचे। ये उनका पहला दौरा है। उन्होंने दारुल हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके हमराह उनके बेटे और रियासती वजीर आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। शिवसेना के सरबराह और चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी, BJP के सीनियर लीडर LK अडवाणी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात करने वाले हैं। जिले वरंगल के धर्मासागर मंडल में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के 50 तुलबा कल रात समेत गजा से मुतासिर हो गए। बताया जाता है कि तुलबा को कल रात डिनर में चावल, आलू का सालन और सांभर दिया गया था, जिसके खाने के बाद तुलबा ने खय और दस्त की शिकायत की। तुलबा ने हेडमास्टर को मुब्तला किया, जिन्होंने फौरी उन्हें वरंगल के महात्मा गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। वाकई की इत्तला आम होते ही औलिया तुलबा दवाखाना पहुंच गए और स्कूल इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। 37 तुलबा को दवाखाने में शरीक कर दिया गया है, जबकि बकिया तुलबा को दवा देने के बाद घर भेज दिया गया। तुलबा ने शिकायत की कि कंट्रैक्टर धर्माराजू गैर मियारी खाना सरबराह करता था और अक्सर सालन पकाने सड़ी गली तरकारी इस्तेमाल करता था। वरंगल के DO के नारायण रेड्डी ने बताया कि इस स्कूल में जुमला 250 तुलबा जेर तालीम है। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और कंट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के साबिक मजलिसी रुकन असेंबली वारिस पठान एक जबरदस्त तनाजे में गिर गए हैं। उन्होंने गुलबर्गा में अपनी तकरीर में कहा था कि 100 करोड़ हिंदुओं पर 15 करोड़ मुसलमान भारी हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण समिति के लीडर बालानंद गोकर ने वारिस पठान को खुलेआम धमकी दी है, जबकि दूसरी तरफ सरगर्म सामाजिक कारकुन और वकील सैयद एजाज अब्बास नकवी ने पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। तुम्हारे पसीने छूट गए और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। इफ यू रीड डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर गेव अस लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस इज देयर, सो वी कैन प्रोटेस्ट। एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर बीइंग मेड बाय द BJP लीडर्स, देश के गद्दारों को गोली मारो एंड ऑल, गोली से नहीं मानेंगे, गोली से मरवाएंगे। रिलीजियस हार्मनी ऑफ द कंट्री बाय मेकिंग सच काइंड ऑफ लूज स्टेटमेंट। सी, वारिस पठान इज द लास्ट पर्सन टू स्पीक अगेंस्ट एनी रिलीजन और अगेंस्ट द कंट्री। आई वोंट स्पीक अगेंस्ट दैट, आई विल नेवर एंड विल नेवर। इट इज देयर फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। एंड सी, टुडे पीपल आर प्रोटेस्टिंग, नॉट ओनली मुस्लिम्स आर प्रोटेस्टिंग इन द कंट्री अगेंस्ट द ब्लैक लॉ, आवर हिंदू ब्रदर्स सिस्टर्स आर प्रोटेस्टिंग। What is there to apologize? What is there? What is there? Muslims can outweigh they are construing it in their own way. They are construing it in their own way. But the BJP is trying to segregate us from them, which the constitution does not permit. And so that it is very clear before the nation what I said. 130 करोड़ की आबादी है हमारे देश भारत में, ये BJP वाले उसमें से हमको अलग करना चाहते हैं। अरे हम इस देश का अटूट हिस्सा है,
ये देश पे जितना मोदी का हक है उतना ही अधिकार वारिस पठान का अधिकार है। क्यों हमको अलग करने की बात कर रहे हैं? इनके बीजेपी के नेता हर दिन आकर गोली मार देंगे, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में गलत बात कर रहे हैं। और संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी जस्टिस की बात है। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे आगरा और दिल्ली में ईशाइये के सबब उनका मौजूदा दौरा अहमदाबाद मुख्तसर कर दिया गया है। सरकारी जराये के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का दौरे गांधी आश्रम अब तकरीबन मंसूख हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप गांधी आश्रम में निस घंटा गुजारने वाले थे। इस तरह एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम का 20 किलोमीटर का सफर या रोड शो अब घटकर 9 किलोमीटर का हो गया है। वाशिंगटन डीसी में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके दौरे अहमदाबाद के मौके पर 7 नहीं बल्कि 10 मिलियन लोग रोड से लेकर स्टेडियम तक उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद रहेंगे। हालांकि दो दिन खबर उन्होंने बताया था कि ये तादाद 7 मिलियन होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी की जानिब से ये इत्तला पाकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोलोराडो में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उनके जलसे में 60,000 अफराद भी नहीं आते। इस पर जलसे में शरीक एक खातून ने कहा कि अगर आप 1 करोड़ अफराद की गुंजाइश का स्टेडियम बनाएंगे तो वहां जरूर आएंगे। मरकजी बीजेपी हुकूमत के 6 साल दौर में सारे मुल्क को रहन रखवा कर जीडीपी के निचली सतह पर ला लिए जाने वाले माहौल में अपनी आखिरी सांसें बचाने के लिए मुल्क में सीए एनआरसी व एनपीआर का बहरान मचा देने पर सारे मुल्क के साथ साथ बैरूनी ममालिक में भी ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़म किए जा रहे हैं और आवाम का नमक खाने वाली पुलिस ने मुल्क में अब तक के रिकॉर्ड के तहत ज़बरदस्त तरीके से एहतजाजियों को मार काट कर अंग्रेज़ों के दौर की यादें ताज़ा करवा दी हैं। ऐसे में शहर हैदराबाद ने मल्लेपल्ली इलाके के साकिन 65 साल उम्र रसीदा जनाब सैयद आरिफुद्दीन बीजेपी के मुतनाज़िया बिल्स के खिलाफ पुलिस की जारहियत के पेश नज़र अकेले ही कुछ बैनर्स थाम कर एहतजाज शुरू कर दिए हैं जो काबिल तवज्जो बन गया। उन्होंने बताया कि मुनज़्ज़म एहतजाज को पुलिस की जानिब से ट्रैफिक खलल के नाम पर सबोताज करने की कोशिशें जारी व सारी हैं, लिहाजा अगर सब लोग अकेले ही एहतजाज से जुड़ जाते हैं तो न सिर्फ पुलिस के सरदर्द से बच सकेंगे बल्कि बदनाम जमाना हुकूमतों और इंसानियत दुश्मन जानवरों को मुल्क से निकाल बाहर करने में भी कामयाब हो जाएंगे। रियासत तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत के मुबैना मुल्क दुश्मन साबित होने वाले सीए एनआरसी व एनपीआर बिल्स से मुतालिका एक एनपीआर को रियासत में लागू किए जाने वाले माहौल में इनके खिलाफ एहतजाज के लिए बनाई गई टीएसओएपी जेएसी के कन्वेनर व तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक की क्यादत में आज शहर हैदराबाद की विजयनगर कॉलोनी में वाक़ मस्जिद फिरदौस के रूबरू बाद नमाज जुमा सैकड़ों मुसलियों ने जमहूरी मुल्क को दागदार बनाने की कोशिशों वाले एनपीआर के खिलाफ में ज़बरदस्त एहतजाज किया और रियासती हुकूमत को समझाने की कोशिश की कि अब वक्त आ गया है कि वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से बचे और मरकजी हुकूमत की चालाकियों को समझते हुए इस बिल को निकाल बाहर करें। भारत की रियासत कर्नाटक में हालिया दिनों में जहां बीजेपी पार्टी ने बड़ी चमत्कारी अंदाज में सत्ता पर कब्जा कर लिया था वहीं पर बीजेपी के मरकजी हुकूमत के मुतनाज़िया साबित हो जाने वाले बिल्स के खिलाफ में मुनज़्ज़म की गई एक जनसभा को मुखातिब करने के लिए मुल्क के मुस्लिम रहनुमा कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जैसे ही वहां पहुंचे एक वहाँ की साकिन खातून ने स्टेज पर चढ़कर माइक के जरिए भारत की रिवायती तारीखी बरादरी की यादें ताज़ा करवा दी और भारत जिंदाबाद के नारों के साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगा दिए। लेकिन भारत के बुम्बनों को ये बात कहाँ बर्दाश्त होती, हालांकि यही लोग साबिका में पाकिस्तान के दौरे करते हुए वहाँ की कई दावतें उड़ा भी चुके हैं। लेकिन अभी तो सत्ता का मामला आ गया है क्योंकि भारत में 6 साल दौर में विकास क्या हुआ है वो छुपाना है, लिहाजा वहां के बीजेपी के सीएम येदुरप्पा ने इस मौके पर तीर मारने की कोशिश की और बतलाया कि मुतनाज़िया खातून अमूल्या लेओन नामी नेक्स्ट लाइट से ताल्लुक रखती हैं और इसका ताल्लुक
इन्होंने कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जोड़ देने की भरपूर कोशिश भी कर डाली है, क्योंकि डूबती नैया को बचाना जो है, लिहाजा बीजेपी हुकूमत ने मुतनाज़ा बिल्स के खिलाफ में जहां सारी दुनिया में एहतजाज चल रहे हैं, वहीं शाहीन बाग का एहतजाज भी इनकी दोनों आंखों में खटक कर रह गया है। लिहाजा अब आपसी रवादारी के एक मसले को चंद मुट्ठी भर लोगों ने मुल्क का नया तनाजा घोषित करने की कोशिशें शुरू कर दी है। ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕೊನೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತ ಶುದ್ಧಂತ ಪಿತೂರು ಇದರಿಂದ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಯಾರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ನಕ್ಸಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. भारत के मशहूर मक्का मस्जिद बम धमाके, अजमेर बम धमाके और दीगर कई जगहों पर 6 सालों में फसादात के साथ साथ गुजरात में मुसलमानों की नस्लकुशी के तारीखी फसाद वाले माहौल में आज शहर हैदराबाद के दिलसुख नगर में 7 साल कबल हुए बम धमाकों की याददाश्त मनाई गई और उस धमाके में मरने वालों के खानदान वालों के लिए हुकूमती इमदाद का आज 7 सालों बाद मुतालबा भी पेश किया गया। वाज़े रहे कि सारी दुनिया में भारत के मशहूर हो जाने वाले बड़े झूठे अमित शाह की चहेती एनआईए ने बड़ी कोशिशों के बाद एक तीर मारा था कि उसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ शामिल था। वहीं गुजरात जज मर्डर केस का अभी तक हमारे माहौल में कोई जिक्र तक नहीं है। हालांकि इस सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने वाले का सबूत मुहैया ही नहीं किया जा सका, लेकिन मुल्क में हालिया बाबरी मस्जिद का फैसला दिन के उजाले में आवाम के सामने जो लाया गया है, इस सिलसिले में भारत की आवाम ने क्या किया था जो आज कुछ कर सकेगी, है ना? हमारे मुल्क भारत में अरसे दराज से जय श्री राम का नारा लगाकर रावण के कारनामों से मुतासिर माने जाने वाले बीजेपी के मशहूर संबित पात्रा अरसे दराज से खामोश बैठे हुए थे, लेकिन कर्नाटक बीजेपी ने फिर इनको एक बार हलचल में ला दिया है। एक तरफ AIMM के मुंबई के लीडर वारिस पठान और दूसरी तरफ कर्नाटका में आपसी रिवादारी की मिसाल बनने वाली अमूल्या ने आखिरकार एक बार फिर मुल्क के बुम्बनों को जो दिल में आया कह देने के लिए उकसाही दिया है। वैसे संबित पात्रा ने इस मौके पर सीधा सीधा कह दिया कि मजलिसी सदर के पास लड़की से माइक छीन लेने की हिम्मत तो रही, लेकिन अपने कारकुनों को वो कुछ भी नहीं कह सकते और यहां तक कह दिया कि इनकी नीयत में खोड़ भी है। हालांकि मुल्क के मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर करोड़ों लोग मुल्क में जारी हरकतों को मुल्क दुश्मन मान गए हैं, फिर भी सत्ता बचाने की कोशिशें अभी भी मुल्क में बेहतरीन अंदाज में जारी वो सारी हैं। देखें आगे क्या होता है और मुल्क की आवाम कितना सारे मामलात को समझ पाती है। हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेरे खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हों, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल चंद्राइन गुट्टा हैदराबाद, सेल 9966930824 या 9391326261।